सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम अपनी मैरिज को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो अब दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके दो पार्ट्स हैं, पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन और दूसरा डीएम ऑफिस में जाके आपको प्रॉपरली साइन करके रजिस्ट्रेशन कराना। तो आज हम दोनों ही बातें डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना होगा जो कि है edistrict.delhigovernment.nic.in। इस पे जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना हो तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये देखिए न्यू यूजर पे, तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डालेंगे, उसका नंबर डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे। तो इसके बाद आपके पास एक SMS आएगा जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मैंने ये पहले से ही लॉगिन कर चुका हूँ, तो मैं अब सीधा जाके अपना लॉगिन करता हूँ। तो देखिए ये मेरा पहले से रजिस्टर्ड था, तो मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। तो देखिए जब ये लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, तो ये अप्लाई फॉर सर्विसेज का एक ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे 18th नंबर पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को बोल देगा कि आपने पहले से ही अप्लाई किया हुआ है तो आप नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं एक दूसरे अकाउंट से लॉग इन करता हूँ, अपने वाइफ के अकाउंट से, और देखते हैं वहां पे ये पूरा फॉर्म दिखाता है क्या। तो देखिए अब मैंने दूसरे अकाउंट से इसमें लॉगिन किया है, तो चलिए दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो इस बार जब मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे को पूरा फॉर्म आ गया है। तो इस फॉर्म में आपको ये देखिए डेट भरना होगा, आपका एड्रेस, कंट्री, इर्द-गिर्द। अगर मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ प्लेस, तो मान लीजिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ये तो देखिए नीचे की चीज अपने आप आ गई। उसके बाद आपकी ये जो मैरिज है ये किसी मंदिर में हुई है या नहीं हुई है, अगर आप देखिए इसमें यस करते हैं तो वो उसकी भी डिटेल मांगेगा, आप नो करते हैं तो ये उसको रहने देगा। तो इस तरीके से आप इस पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये है डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवाना होगा जो कि 100 रुपए के आसपास बन जाएगा, और ये दो बनेंगे, एक हस्बैंड के लिए और एक वाइफ के लिए। तो चलिए मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये मेरा हस्बैंड की तरफ से है, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट में क्या है, ये फर्स्ट पार्टी है और ये 10 रुपए के स्टैम्प ड्यूटी पे बनेगा। मैं दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या है। तो ये देखिए इसमें मेरा नाम है, फादर नेम, मेरा एड्रेस, मेरी एज, यहाँ पे आप वाइफ का नाम डालेंगे, यहाँ पे डॉटर ऑफ, ये एड्रेस, एज, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैं कितने साल का था उस टाइम, और ये मैरिज मेरी कब हुई थी। और इसमें कुछ रूल्स हैं जैसे कि ये देखिए डेट आई बिलोंग टू हिंदू, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके का एक आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो ये आपका अराउंड मेरे हिसाब से 100 रुपए के आसपास बन जाना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो हो गया आपका ये, जो कि एक एफिडेविट है जो कि दोनों तरफ से बनेगा। दूसरा हो गया आपका एड्रेस प्रूफ, तो इसमें आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। तीसरा हो गया आपका आईडी प्रूफ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि आईडी प्रूफ दोनों जगह काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड लगाना होगा और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड लगाना होगा, क्योंकि ड्यूरिंग मैरिज रजिस्ट्रेशन वो आधार कार्ड को आपका एड्रेस प्रूफ नहीं कंसीडर करते हैं। तो बेटर होगा कि आप दोनों लगा दें। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ये आप आपका 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद
स्कैन फोटो ऑफ हस्बैंड एंड ब्राइड, तो ये आपको स्कैन कर ली होंगी फोटो। स्कैन फोटोज ऑफ विटनेस लगेंगे, तो इसमें आपके दो विटनेस होंगे, एक वाइफ की तरफ से एक हस्बैंड की तरफ से, और बेटर होगा कि अगर वो दोनों विटनेस आपकी शादी में प्रेजेंट हो तो अच्छा रहेगा। तो इन दोनों विटनेसेस के आप फोटोज और उनका एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद आपके जो शादी के फोटोज उनको भी आप स्कैन करके रख लीजिए। उसके बाद आपका जो शादी का कार्ड होगा वो, और उसके बाद आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन करके रख लेने हैं जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आपको ये सारे अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म पे। तो जब ये आप सारे अपलोड कर दोगे तो ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कंटिन्यू करोगे, आगे दूसरा फॉर्म आएगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अपलोड करनी होंगी। तो जब आप ये फॉर्म भरना शुरू करें तो पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप किस जगह पे डीएम ऑफिस जाना चाहते हैं। तो ये आप हस्बैंड की साइड भी जा सकते हैं और वाइफ की साइड भी। मान लीजिए आप रहते हैं शाहदरा में और आपकी वाइफ रहती है सीपी में, तो आप दोनों में से किसी भी डीएम ऑफिस के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरा फॉर्म भर सकते हैं। जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे कि किस डीएम ऑफिस जाना है, तो उसके बाद आपके एक ऑप्शन आएगा अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, तो आप वहां पे टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट आपका फिक्स हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन आएगा फीस का, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन फीस अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें अगर दिक्कत हो जाती है तो आपकी फीस फंस सकती है। तो आप उसमें ऑप्शन होता है कि आप विंडो पे भी जाके दे सकते हैं, तो आप इसको ना अप्लाई करें, और जब आप अपने आपको डेट मिल जाए तो आप विंडो पे जाके ही फीस दें। तो जब ही आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप इसकी एक प्रिंट निकलेगा, आप उसको प्रिंट को निकाल के आप डीएम ऑफिस उस पर्टिकुलर डेट पे चले जाएं जबका आपको अपॉइंटमेंट मिला है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन का प्रोसेस, यहां तक आपका आधा काम कंप्लीट हुआ। अब आपको जाना पड़ेगा डीएम के ऑफिस। अब डीएम के ऑफिस जाएंगे तो क्या क्या चाहिए होगा आपको, ये देखिए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन सबके ओरिजिनल आपको लेके जाने पड़ेंगे वेरीफाई के लिए। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उनकी फोटोस्टेट आपको लेके जानी पड़ेगी, जो कि अटैच होगी और आपकी एक फाइल बनेगी। उसके बाद जो आपके विटनेस थे उनके भी आधार और वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा, और उनकी एक एक फोटोस्टेट भी चाहिए होगी। दूसरा, आपके दो दो फोटोज पासपोर्ट साइज, हस्बैंड का, वाइफ का और विटनेसेस के, और लास्ट आपकी फीस। तो जब आप ये सारा सबमिट कर देंगे और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपको डीएम के सामने पेश होना होगा, जहां पे आपके साइन होंगे, आपके विटनेस के भी साइन होंगे। उसके बाद आपकी एक फोटो खींचेगी, और उसके बाद 21 दिन के बाद आपको आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, इसमें पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको ऑफलाइन भी जाना पड़ता है। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, मैं आपको इसको अप्लाई तो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाइड कर चुका हूं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।